चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जबकि वास्तव में इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आज अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करने की बजाय इनको अपने पिछले चुनावी वायदों के संबंध में इनको अपने पिछले लोकसभा चुनावी वायदों के संबंध में अपनी कार्यवाही रिपोर्ट भी जारी करनी चाहिए थी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा करने की बजाय अब ये पार्टी फिर से नए नए तरीकों हथकंडों के जरिए देश की जनता को छलने में लगी है, ठगने में लगी है। अर्थात आज इनका संकल्प पत्र के रूप में जारी किया गया चुनावी घोषणा पत्र फिर से हमें यह एक छलावा ही नजर आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यह देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है। इसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपये के हिसाब से देने की जो ये बात कही है तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। तो वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज़्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की भी। और वैसे भी BSP की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या जहाँ हर हक को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, इसलिए BJP की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए इस प्रलोभन भरे वायदे के बहकावे में यहाँ अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है। जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं कि इसी प्रकार की पूर्व में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर किस्म किस्म की नाटकबाजी की गई थी। हालांकि इस मामले में वे अन्य ऐसे और मामलों में भी अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने व अपनी सरकार की कमियों एवं विफलताओं पर पता डालने की ही इनके लिए कोरी दिखाव की नाटकबाजी है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही सर गठबंधन के लोगों को क्या मैं ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि पूर्व की तरह इस चुनाव में भी यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त रिश्ते नातों व जात बिरादरी आदि के चक्कर में भी पढ़कर इनको कतई भी लेकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ यहाँ विरोधी पार्टियों को ही मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारे बने इस गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ षडयंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी अधिकांश लोकसभा की सीटों पर ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जिससे इनका कुछ वोट बढ़ जाए और फिर इसका सीधा लाभ BJP को पहुंच जाए। इसे भी ध्यान में रखकर अब आप लोगों को खुद भी व अपने क्षेत्र के लोगों को भी जरूर सावधान रखना है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियाँ बरतकर पहले इस लोकसभा चुनाव में BJP को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। अर्थात पहले आप लोगों को श्री मोदी को केंद्र से भगाना है
फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूरी योगी को सत्ता से बाहर करना है। सभी सीनियर केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चलते खासकर इनके जातिवादी संकीर्ण संप्रदाय द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकार तानाशाही व अन्याय वाले राज्य भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इनका घमंड चूर चूर हो सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यह अपने बड़े इस गठबंधन को ही देना। और मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा व आरएलडी मिलकर ये चुनाव लड़ा है। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोगों को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट को तो जिताना ही है रिकॉर्ड वोटों के अंतर से, लेकिन इसके साथ साथ आपके अगल बगल में आपके रिश्तेदार भी आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट लगी है जो रिजर्व है। आपके बगल में गाजियाबाद लोकसभा की सीट लगी है। गाजियाबाद से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अगल बगल की सीटों पर भी जहाँ जहाँ आपके रिश्ते नाते हैं तो उनके माध्यम से उनको भी जरूर जिताना है। आप लोगों को गठबंधन को जरूर कामयाब बनाना है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि फलाना सीट पर सपा का कैंडिडेट है, फलाना सीट पर बसपा का है, आरएलडी का है। आप लोग इसको भूल जाओ, ये सोचो कि हमें गठबंधन को कामयाब बनाना है। गठबंधन को तभी फिर आप लोग लेकिन इसके लिए आप लोगों को तो अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ पे बने इस गठबंधन को ही देना। जो केंद्र में अपनी सरकार बनने पर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजनहिताय व सर्वजनसुखाय के नीतियों पर आधारित की सरकार चलाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाए। और इस मामले में आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और खासकर आपके गौतम बुद्ध नगर जिले का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश के आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में खास ध्यान रखा जाएगा। और सभी स्थितियाँ हमारे महान संतों गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह व मान्यवर श्री कांचीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। और इसके लिए आप लोगों को या अपने बने गठबंधन के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और आपके अर्थात अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने आपके इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से तो हमने पिछड़े वर्ग से गुजर समाज से श्री सतवीर नागर को चुनाव से आप लोग आपके सामने हमारा प्रत्याशी खड़ा है। आप लोग अच्छी प्रकार से उनको जानते हैं कि हमारी पार्टी में नौजवान हमारा कार्य करता है, किसी से इनका कोई भेद नहीं है, कोई किस पार्टी में नहीं है, गुर्जर समाज के सबको साथ में लेकर चलते हैं, दलितों अकलियतों अपर कास्ट सबको साथ में लेकर चलते हैं। बहुत शरीफ आदमी है, ईमानदार है, मिलनसार है, सामाजिक है, सबको साथ में लेकर चलते हैं, युवा है, कर्मठ है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग
पर आप लोग बीएसपी के अपने नौजवान उम्मीदवार को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।